डायरेक्शन निकालते हैं और कितना सॉल्यूशन अच्छा से कर पाते हैं। चलिए एट इक्विटोरियल पॉइंट, एट इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट पर देखना है। मैं अभी बताया था कि एक्सियल इधर, इक्विटोरियल इधर होता है, तो चलिए ये पॉइंट हम इक्विटोरियल पॉइंट ला, बिल्कुल सही, ये इक्विटोरियल पॉइंट क्या है, पी है। चलिए बच्चे अब आप लोग जान रहे होंगे कि मैं कितना डायरेक्शन के बारे में बताया था क्लास में, याद है? हाँ, यहां मैं बताया था कि पॉजिटिव चार्ज रहे तो आउटवर्ड डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज रहे तो इनवर्ड डायरेक्शन। पहले हम इसको मिला लेते हैं तब सोचते हैं कुछ और। यहां पॉइंट पी है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, बताइए कहां जाएगा, ऊपर की ओर, बिल्कुल सही है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर, और नेगेटिव चार्ज है ये इनवर्ड डायरेक्शन में इधर की ओर हो जाएगा। चलिए यहां दे देते हैं ई प्लस वेक्टर और दूसरा दे देते हैं ई माइनस वेक्टर, क्लियर है? हम एंगल लिखते हैं कि ये थीटा एंगल है और इधर से भी थीटा है, ये पॉइंट ओ दे देते हैं, ये ओ से पी तक के डिस्टेंस को हमने क्या माना था, याद है? चलिए ये ओ से पी तक के डिस्टेंस को आर माने थे। इसके बाद डायरेक्शन निकालते हैं, तो मैं बोला कि यदि दो वेक्टर, मैं पढ़ाया था, याद करिए, लेवल में थोड़ी बहुत बात याद होगी तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूं यहां। यदि दो वेक्टर है, एक पॉजिटिव है, ये सॉरी इस तरह का है, और आपको कहता है कि इसको ऐड करिए, तो मैं बताया हूं कि वेक्टर में ही मत सोचना कि 2+2=4, ये नहीं होगा, 2+2=0 भी हो जाएगा। यहाँ डायरेक्शन देखना है, यदि 2 न्यूटन इधर से हो और 2 न्यूटन इधर से, तो दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू कितना देगा, 0, बिल्कुल सही है। तो हमने बताया था कि यदि दो का टेल एक साथ मिला हो तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ते हैं, यानी कि इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करते हैं। चलिए तो इसके पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे यहां से ऐसे, और इस वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो ऐसे कुछ होगा, चलिए इस वेक्टर के पैरेलल इधर होगा, ये इसको कहा जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बताइए ये एंगल थीटा, तो ये क्या होगा, थीटा होगा, ये एंगल थीटा, ये क्या होगा, एंगल थीटा होगा। इसके आगे मैं बताया कि सबसे पहले क्या करना है बच्चे, बिल्कुल सही, कि पॉजिटिव चार्ज के कारण यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या नेगेटिव चार्ज के कारण निकालना है, हम लोग सबसे पहले उससे कितना डिस्टेंस है ये देखते हैं। तो अब बताइए यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, आर है, यहां से यहां डिस्टेंस एल है, और यहां से यहां डिस्टेंस एल है, क्योंकि मैं बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 2L, तो यहां से यहां एल, यहां से यहां एल, तो अब बताओ यहां आर है, यहां आर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाइपोटेनस निकालेंगे इस ट्रायंगल में पी ओ पी बी में, उसके आगे इसका तो डिस्टेंस निकल गया, यानी कि बीपी निकल गया, हम लोग लिखेंगे क्या कि OP is equal to R, दिखाई दे रहा है, OP is equal to R, और इसके आगे OA is equal to OB is equal to L, ठीक है, अब इसके आगे BP is equal to AP is equal to root under R square plus L square, R square plus L square। चलिए हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज,
ई प्लस फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर के जगह। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा, बीपी। तो यहाँ बीपी के क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ डायरेक्शन देंगे अलोंग बी टू पी। हाँ हिंदी मीडियम के बच्चे लोग, मैं एकदम पूरा हिंदी बोल रहा, आप चाहेंगे तो इसको लिखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण प्लस चार्ज के कारण विद्युतीय क्षेत्र, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए इसके आगे ई प्लस वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय बीपी के जगह क्या लिखें, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि e प्लस वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² + l² यहां तक आ गया। इसके बाद हम लोग नेगेटिव चार्ज के कारण देखेंगे। यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये ई माइनस वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय। बताइए आर चेंज करेगा कि वही रहेगा, बीपी लिख दूं कि एपी लिखूं। सही है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है और यहाँ से पी का डिस्टेंस एपी है, तो एपी का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन अलोंग ए टू पी टू ए, पी टू अलोंग पी टू ए। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना, अच्छी बात। इसके आगे e माइनस वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे q/ ap के जगह क्या लिखें, उतना ही डिस्टेंस रहेगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल करो, यानी कि यहां लिख देता हूं मैं, ये e माइनस वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q/r² + l² के होल स्क्वायर। चलिए तब तक इतना आप लोग इसको उतारिए। इसके आगे यहां लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। मैं बताया कि यदि एक डायरेक्शन रहे वेक्टर तो जोड़ दीजिए, अपोजिट रहे तो घटा दीजिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि ना तो ये एक डायरेक्शन है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसके लिए क्या करेंगे। बिल्कुल सही, एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए लागू लाएंगे कि अब आइए और जो है वेक्टर लागू लगाइए। यहाँ थीटा है, ये थीटा है तो ये थीटा कैसे हुआ, ये थीटा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये थीटा अल्टरनेटिंग कैरियर से, और ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको इंटरसेप्ट कर रही है ये लाइन, यदि ये थीटा है तो ये थीटा होगा। सही बात है, करस्पोंडिंग एंगल से। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि यदि ये थीटा रहे, फिर से समझिए, यदि एंगल यहाँ थीटा रहे और ये ई रहे या फिर ए रहे, तो इसके अलावा हम लोग लिखते हैं ई कॉस थीटा। चलिए देखिए हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं कैसे होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। मैं बताया था क्लास में, याद करिए कि यदि ये थीटा है तो इसका दो कंपोनेंट हम लोग निकाल लेते हैं, थीटा के अलावा कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो थीटा के अलावा कॉस थीटा इसके परपेंडिकुलर इस पे आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर इस इधर आएगा ई साइन थीटा। चलिए उधर उसका हो गया। अब ये ई है
ये एंगल थीटा, तो इसके थीटा के लॉन्ग ये भी क्या हो जाएगा, हाँ e cos थीटा, बहुत अच्छा e cos थीटा। अब यहाँ लिखेंगे कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, प्लस करो कि माइनस, बिल्कुल सही, दोनों का प्लस होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन हम लोग सेम मिला लिए, यानी कि e cos थीटा और प्लस प्लस e माइनस cos थीटा। अब देखिए दोनों के इक्वेशन से पता चलता है, पीछे देख लीजिए, प्लस e प्लस का आया है 1/4 pi epsilon not into q by r square plus a square, और e माइनस का भी यही आया है 1/4 pi epsilon not into q by r square plus l square, r square plus l square। चलिए ये दोनों सेम है, यानी कि ये और ये सेम होगा, ये e plus vector is equal to e minus vector, दोनों इक्वल है, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि e vector is equal to 2e cos theta, 2e cos theta, अब vector is equal to 2 into 1/4 pi epsilon not into, बताओ